नमस्कार, मैं हूँ लेस्ली त्रिपाठी. टुडे इन द एपिसोड ऑफ लेस्ली शो आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग विमेन एंड फिल्म्स. विमेन एंड फिल्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज स्टॉलवर्ड्स विद मी हैव सीन अ लॉट एंड हैव फेस्ड अ लॉट एंड हैव वन मिलियंस बिलियंस ऑफ फैंस. सो उनका सीक्रेट क्या है, लेट्स टॉक टू देम. आई हैव सुजाता मेहता जी एंड आई हैव सजनी श्रीवास्तव जी. हाय. Hey ladies, how you been? Fantastic. Rocking. So, Sujata Mehta ji has started her career as a child artist and in more than 50 plays, especially in Gujarati stage plays, she has performed and she has acted in Hindi cinema, in Gujarati cinema and she has also acted in TV serials. Aapne unhe bahut sare shows mein dekha hoga, films mein dekha hoga, TV serials mein dekha hoga. Aaj mere show pe aapko रूबरू मिलेगा, लाइक टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन हर लाइफ एंड हर सीक्रेट्स. एंड देयर वी हैव सजनी श्रीवास्तव. शी हैज नॉट ओनली एक्टेड इन इंडियन सीरियल्स, इंडियन फिल्म्स, शी हैज बीन मेकिंग इंडिया प्राउड बाय टेकिंग इंडिया टू कान फिल्म फेस्टिवल एंड विनिंग अवार्ड्स इन ईस्ट अफ्रीका एंड कहाँ कहाँ नहीं गई हैं, हम उनकी जुबानी सुनेंगे. सो Ladies, welcome to the show. Thank you, Les. Yes, thank you. So, Sujata ji. Yes. आप बचपन से acting करते आ रहे हैं. Yes. What was this thing? Like, was it easy to be an actor as a like child actor? Very easy. क्योंकि मैं तो पहले से very extrovert. I'm very extrovert. I'm very talkative. तो मेरे लिए ये कुछ नयापन नहीं था. It was like fun and time pass. You know, school maybe, fancy dress competition, singing, dancing. Always I used to win prizes and my mother and my aunt were so enthused. Hamesha mujhe, you know, bhejte rehte the and they used to dress me up and, you know, sab sajana dajana. I used to love lights. I used to love costume. So, aapne shuruaat kiya in Hindi plays ya Gujarati plays? No. I started my career on Gujarati stage. My uncle and aunt were on stage. So, I started with stage because my father never wanted me to be in glamour world. वो सोचते थे कि मैं लॉयर बन जाऊं बिकॉज आई एम ऑलवेज अ वेरी आउटस्पोकन एक्सट्रोवर्ट. पर मैं बन गई एक्टर, यू नो. सो आई स्टार्टेड विद माय अंकल एंड आंट वेयर आई वाज फीलिंग वेरी सिक्योर एंड सेफ. ओके. या सो व्हाट वाज इट आफ्टर दैट? डिड यू वांट टू बी अ फिल्म एक्ट्रेस? नहीं, कभी मेरे दिमाग में था ही नहीं मैं फिल्म एक्ट्रेस बन जाऊं, स्टार बन जाऊं, ऐसा कुछ था नहीं मेरे दिमाग में. एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग ये सब टाइम पास के लिए था एंड आई यूज्ड टू एंजॉय ड्रेसिंग अप एंड यू नो मेकअप करो ये करो. मैं 13 साल की थी तब से मैं आंटी का मेरा मेकअप लेके मैं चुपके से मैं मेकअप करती थी, यू नो. ऑल दैट आई यूज्ड टू लव बट मैंने कभी वो करियर के बारे में नहीं सोचा था बिकॉज एज आई सेड माई फादर वॉज नॉट बींग सो सपोर्टिव, यू नो, कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊँ. ही वॉज नॉट वेरी, उनको उनके दिमाग में आइडिया नहीं था. बट माई मदर वॉज वेरी सपोर्टिव. व्हाट वॉज योर फर्स्ट प्ले? माई फर्स्ट प्ले वॉज यू नो अडॉप्टेशन ऑफ वेट एंटिल डार्क. Was a film, English film, that was a thriller. और उसमें कि मैं छोटी बच्ची का रोल कर रही थी. As I said, I started with child actors. क्या आपको याद है आपका वो डायलॉग जो था उसमें पहली बार? डायलॉग was not so important, but मुझे ये याद है कि पहले दिन I was nervous क्योंकि स्टेज है, right? And platform था तो मुझे भाग दौड़ करनी थी, you know. मैं I'm helping that blind woman, so भाग दौड़ करने में मैं गिर गई थी. धार देख ऐसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, ऐसे मैं गिर गई थी. बट आई हैड द प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मैं उठ गई और मैंने आई कंटिन्यू विद माई एक्शन. सो आई गॉट सॉलिड क्लैप्स, यू नो, लाइक लोग खुश हो गए. एक छोटा बच्चा गिरता है तो कैसे लगता है, बट खड़ी होकर मैं आई कंटिन्यू विद माई परफॉर्मेंस. एंड बैक स्टेज में जाके मेरी हालत बुरी हो गई बिकॉज आई वॉज बैडली हर्ट, यू नो, यहाँ बुरा लगा. So I remember everybody that. Loves an enthusiastic, confident child actor. Did you start acting in films and serials as a child actor? Ya phir aapne thoda, like, you know, once you became a big girl, tab bhi shuru kiya? After I finished my graduation college as a psychology student, and because tab tak main dramas karti thi, I was a star. Maine jo Jaya ji ne Milli mein role kiya tha, wo maine Gujarati mein kiya tha. And many famous plays. I was a big star. I became star. वेरी वेरी अर्ली, यू नो, टीन्स में जब मैं आई थी मैं स्टार बन गई थी. मुझे बहुत सारी फिल्मों की ऑफर आती थी बट आई वॉज नॉट अलाउड टू डू फिल्म. सो मैंने फिल्मों में तो ग्रेजुएशन के बाद शुरू किया. वाज इट इन मुंबई और वाज इट इन गुजरात यू स्टार्टेड? आई एम ऑलवेज इन मुंबई. आई एम बॉम्बे आइट. मैं बम्बई में पली हुई मैं लड़की हूँ.
एंड आई एम बॉम्बे एट दैट्स इट. ओके एंड आपका जो पहला फिल्म था उसके बारे में जरा बताएं, वाज इट गुजराती और वाज इट इन हिंदी? पहली फिल्म वाज यतीम. एक्चुअली प्रतिका तो बाद में आई, यतीम आई. और यतीम की क्या उस टाइम शूटिंग्स लंबी चलती थी, यू नो आजकल के जैसे एक साल में खत्म होकर फिल्म रिलीज होती वो नहीं था, थोड़ा जरा सिस्टम अलग था. सो यतीम में मेरा नेगेटिव रोल आया. आई वाज नॉट वेरी कीन, बट मेरे जो सीनियर थे शफी नामदार, उन्होंने बोला कि नहीं, यू आर फ्रॉम स्टेज, यू हैव टू टेक अप अ चैलेंज, बिकॉज नॉर्मली व्हेन द यू नो द गर्ल स्टार्ट्स, यू नो हीरोइन जो बनना चाहती है वो दे वुड स्टार्ट विद यू नो रनिंग अराउंड द ट्रीज एंड लवी डवी एंड क्यूट, यू नो वो लव स्टोरी टाइप का उस जमाने में तभी वही रवैया था. तो मैंने यतीम कर ली और उसके बाद प्रतिघा की शूटिंग शुरू हुई. लेकिन हुआ ये कि प्रतिघा पहले रिलीज हुई, सो पीपल फेल्ट दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, बट माय फर्स्ट फिल्म शूटिंग वाज यतीम. एंड स्टार कास्ट के बारे में जरा बताएं, क्या बताऊं, लाइक हाउ वाज द स्टार कास्ट, व्हाट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम विद इन यतीम? या ओह टू गुड. जेपी दत्ता बोलते बड़े गुस्सा वाले खौफनाक थे, लेकिन मेरे साथ एक आई डोंट इवन रिमेम्बर सिंगल मोमेंट कि मेरे पे गुस्से हुआ. नो he handled me so beautifully. I think he had a different you know kind of respect for me because I belong to stage. और जब मुझे ये रोल सुनाया गया उनको कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी. पहला जो शॉट हमने लिया था जिसमें ऐसी कृष्णा यतीम सनी देओल यू नो और उसको मैं देखती हूँ और मैं आई वेरी कॉई एंड वेरी यू नो सेडक्टिव, तो ऐसे मैंने करके मैंने ऐसे किया था वो जो जेपी दत्ता ने बताया नहीं था, मैंने अपने आप ही किया. सो बस फ्रॉम द डे वन उनको मेरे बारे में एक विश्वास पैदा हुआ, यू नो कि एकदम कॉन्फिडेंस हो गया कि इसको कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है. एवरीबॉडी लव्स अ स्पॉन्टेनियस एक्टर, जो कि आपने बचपन से ही किया था, स्टेज पे गिरने के बाद यू इम्प्रोवाइज. यस, सो आई थिंक दैट वाज योर सीक्रेट. सो सजनी, वी आर कमिंग टू यू. आपका करियर भी काफी रोमांचक रहा है एंड यू हैव बीन विनिंग सो मेनी अवार्ड्स, नॉट जस्ट एज एन एक्ट्रेस बट ऑल्सो एज अ फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर. एंड आप बस इंडिया में अवार्ड्स नहीं पा रहे, वर्ल्ड वाइड भी पा रहे हैं. सो उसके बारे में बताएं, डिड यू एनविजन दिस व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? व्हाट हैपेंड, वर यू आल्सो अ चाइल्ड आर्टिस्ट? आई ऑफ कोर्स मतलब चाइल्ड आर्टिस्ट, मतलब शुरू से आई हैड अ पैशन टू बी इन मीडिया. लाइक माय मॉम यूज्ड टू से, जब मुझे चलना नहीं आता आई स्टार्टेड डांसिंग ऑन द सॉन्ग्स ऑन द रेडियोज में जब बचपन. दोस डेज तो माय मॉम एंड डैड हैड दिस दैट ये ना ये यू नो शी इज लाइक इन आर्ट्स. कॉलेज भी मैंने आर्ट से ही किया, तो शुरू से मुझे आर्टिस्टिक और मीडिया और इन चीजों में बहुत लगाव था. एंड माय मॉम डैड वेरी मच सपोर्टिव, लाइक मेरी मम्मी से ज्यादा मेरे डैड वाज वेरी सपोर्टिव टू मी थ्रू द कॉन्ट्रास्ट ऑफ वेरी सपोर्टिव. एंड या माय जर्नी बिगैन विद मॉडलिंग इन आवर कॉलेज में. सेम स्टोरी है सुजाता जी, आई फाउंड इट सो सिमिलर विद हर लाइफ, यू नो दैट. हाँ, मॉडलिंग मैंने शुरू की कॉलेज में, एलिक्यूशंस वन किए, गोल्ड स्पॉट ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आई वाज द रनर अप, सेकंड रनर अप. सो थिंग्स स्टार्टेड लाइक दैट. एंड या यू कैन से दैट बचपन से आई वाज मैनिफेस्टिंग, आई वाज टोटली इनटू इट. सो आई एम देयर यू नो इनटू इट. एंड एक्टिंग का ये हुआ, सीरियल्स ऑफर शुरू हुए, तो मैं आई जस्ट वेंट विद द फ्लो, लाइक आई डिड नॉट स्ट्रगल एट ऑल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. जो मेरे लैप में आता गया, आई वर्क विद गुड पीपल, गुड आर्टिस्ट, फिल्म्स का आया, बट आई वाज नॉट दैट कीन, मैं इतना सीरियसली नहीं ले रही थी यंग एज था. सो आई टुक अप सीरियल्स, एड फिल्म्स मैंने बहुत ही रैप शोज किए. उसके बाद देयर वाज अ टर्निंग पॉइंट वेयर हमारी कंपनी लॉन्च हुई इन ईस्ट अफ्रीका, प्रोडक्शन हाउस माय हस्बैंड एंड हिज पार्टनर. तो वहां पे मुझे बोला गया दैट यू वर्क विद मेनी सीरियल्स, आपने इतना काम किया, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? इट वॉज अ न्यू कंट्री फॉर मी, आई डिडंट न्यू द लैंग्वेज एंड आई एम अ वर्कहोलिक, आई गॉट बोर्ड. तो माय हस्बैंड एनकरेज मी दैट यू राइट अ स्क्रिप्ट, व्हाई डोंट यू डू इट. आई वॉज वेरी वेरी नर्वस. एंड शी इज सो लकी, शी इज गॉट वेरी एनकरेजिंग हस्बैंड. है ना, माँ बाप भी और हस्बैंड भी, आई थिंक यू आर वन ऑफ द लकी वन. यस, सो आई टुक दिस चैलेंज, मेरे challenge to myself that let's see whether I can do it or not. Well, I started writing a script and by the grace of God we went on floor. Now that's a pure miracle that happened with me, that maine shoot shuru kar diya, shoot khatam ho gayi, editing bhi ho gayi, maine bahut kuch sikha, bahut sari cheeze maine sikhi. Maine ye nahi socha ki boss maine kar liya to I know everything. No, I'm still learning, you know. And to my surprise, jab film puri ho gayi, editing ho gayi, to
हमारी फिल्म को नॉमिनेशन में भेजा गया जांजीबार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जहाँ पे करीब 70 कंट्रियां, 70 देश के लोग आते हैं डिफरेंट फिल्म्स लेकर, यू नो, शोकेस होता है. एंड आई वाज वेरी नर्वस. मैंने कहा चली तो गई है फिल्म, चलो चली गई ना, इतना ही काफी है. बट टू माई सरप्राइज माई फिल्म वॉज नॉमिनेटेड. नॉमिनेशन तक भी ठीक था, मैंने कहा चलो नॉमिनेट हो गए इतना काफी है. नाउ वी वेंट टू द अवार्ड फंक्शन इन जांजीबार एंड मैं मतलब हक्का बक्का हो गई जो मुझे पता चला माई फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड. नॉट ओनली दैट, मुझे लगा चलो विन हो गई लेकिन मेरी फिल्म जो डेब्यू फिल्म थी ये कांस में भी शोकेस हुई, कांस में भी नॉमिनेट हुई, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज भी कह सकते हैं, शॉक भी कह सकते हैं. एंड दिस इज अ वेरी रेयर केस एंड लेट मी टेल यू सचली जी, यू नो, और यही मैं जो तुमने बोला वुमन, वो औरत में एक ताकत होती है, इंट्यूशन होता है, इंस्टिंक्ट होती है, यू नो, दे कैन रीच टू द ऑडियंस फास्टर देन मैन. सो दैट्स हाउ यू नो आई डिस्कवर्ड दिस थिंग इन मी दैट ये मैं कर सकती हूँ बॉस, गिवन अ चांस, इफ गिवन अ चांस आई कैन डू दिस एज वेल. And not only that, my film also got the certificate in Germany Film Festival. We were invited there by film museum Potsdam mein. तो उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया, पहली फिल्म हो गई. अब मैंने सोचा यार now my second step has to be a bigger one. You know, I don't want my graph shouldn't be down. It should be always. ये मेरा रहता है हमेशा से focus. तो I made a second film also now. I was overwhelmed because even my second film won the best film award in Zanzibar International Film Festival. So back to back, you know, things started happening. Yeah. Then the second film also went to Africa Magic Viewers Choice Award, which was held in Lagos in Nigeria. I was invited there. वहाँ पे भी I won. Me and my husband we were invited and I'm telling you my whole world was shocked and मैं पूरी हिल गई थी कि जो रिकॉग्निशन, जो प्यार हमको वहां मिला. यू नो आई समटाइम्स फील आवर इंडस्ट्री, ठीक है, टैलेंट को करते हैं बट दे आर नॉट दैट सपोर्टिव टू द एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स विच वी रियली लैक, स्पेशली वुमेन. स्पेशली वुमेन, आज अगर आप परसेंटेज देखेंगे वुमेन फिल्म मेकर्स, क्या दे आर हार्डली 1%. आई नो. सो अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, फॉरगेट वुमेन ऑल्सो, बट टैलेंट, एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर को इतना सपोर्ट नहीं मिलता है. जो प्यार हम लोगों को, जो एप्रिसिएशन जो हम लोगों को वहां मिला, पीपल आर दे रिस्पेक्टिव लाइक एनीथिंग, दे रिस्पेक्ट योर टैलेंट. सो दैट दिस इज व्हाट आई हैव अचीव्ड. एंड अभी रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड 2 फिल्म्स एज अ लीड ऑल्सो, देर आई दुरुस्त आए, you know, so I have completed 2 films. आपके ज़माने में ये कुछ नहीं है, you know, all this, you know, only your talent works, your intention works, and what difference you are making to people, you know, that is important. Nothing is important. So this is how. So I wanted to know कि आप दोनों ने like lot of miracles देखा है, most of your dreams have come true. मोस्टली जो आपने सोचा नहीं था ऐसा हुआ है, आपके साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है. Yes. So have you? This is my question to you. Sujata ji likes to be called SM. SM. Sujata Mehta. So, SM, have you enacted in the role jo aapko kabhi bachpan mein socha hoga, I want to act in this role. Have you got that role? Yes, that was a TV serial, Shrikant, Farooq Sheikh ke saath. And that kind of a very, very, very intense love story. Written by Sharad Chandra, classic jisko bolte hain. मैंने कभी शरद चंद्र पढ़ा नहीं था. आई डोंट रीड बंगाली लेजेंड है ना, बंगाली, यस. एंड मैं आई एम अ वेरी लेजी पर्सन इन द एरिया ऑफ यू नो रीडिंग बुक्स. तू तो बहुत पढ़ती है, तू तो, आई एम वेरी डिफरेंट, आई एम कॉन्ट्रास्ट टू यू. बट जब मेरे पास इस सीरियल आई तो मैंने एक ही दिन में वो पूरी किताब, छोटी थी, मैंने पढ़ ली. एंड आई सेड ओ माय गॉड, दिस रोल हैज कम टू मी, यू नो, दिस इंटेंस लव स्टोरी. एंड I always was dreaming a very, you know, अच्छी कोई love story बनाए. और मैंने दूरदर्शन के लिए की, और मेरे बहुत सारे fans थे. I used to receive letters from Bengal, Bengali audience के, हमारे बहुत सारी जितने भी वहाँ की actresses, you know, नाम वाली and talented
एक्ट्रेसेस सभी ने ये राजलक्ष्मी का रोल किया है, बट आपने जो किया है वी कैन नेवर फॉरगेट यू. शी वॉज बॉर्न इन बहुत गरीब घर में पैदा हुई थी. बंगाल में कितनी गरीबी थी उस वक्त अभी तो. और यू नो बचपन से शी वॉज एल्डर सिस्टर, तो शी यूज टू लुक आफ्टर हर पेरेंट्स. बुरी हालत यू नो फाइनेंशियली. एंड देन शी गोज, उसकी पूरी लाइफ का जर्नी रोलर कोस्टर. शी बिकम्स अ प्रोस्टिट्यूट, शी इज अ डांसर, देन शी फॉल्स इन लव विद श्रीकांत हु इज अ राइटर. एंड उसके साथ उसका कनेक्शन, बड़े प्यार में दोनों, लेकिन इसका आई मीन इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी यू नो. बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी थी, लेकिन उसको बहुत ही अच्छी तरह प्रवीण निश्चल ने डायरेक्ट किया. और नियो फिल्म्स जिसके प्रोड्यूसर थे प्रदीप उपुर, जिसकी अभी डेथ हो गई, उन्होंने प्रोड्यूस किया था. एंड आई वाज रियली द लकीएस्ट वन हु गॉट दिस रोल यू नो. और तभी आई वाज नॉट सो मैच्योर, आई वाज ओनली ऑन स्टेज. फिल्में भी मेरी शुरू नहीं हुई थी, ओनली खानदान एक्टर. बट दैट वाज रोल आई वाज ड्रीमिंग फॉर एंड आई गॉट इट इन द beginning. What was the like, okay, you were saying? I should tell her, I should address this, that I saw Pratighat. And I'll tell you, it was a power-packed role that she did. Pratighat came later. Yeah, I know. But I never dreamt. And when Pratighat, मेरे लोगों ने देखी, you know, trial राजश्री में जाके जो private trials होते थे, screening होता था, बोले अरे तू तो स्टार बन गई, तू तो स्टार बन गई. मैं बोली स्टार तो मेरे दिमाग में राजेश का नाम अमिताभ बच्चन था, अपन कैसे स्टार बन सकते हैं यू नो. बट मैं बन गई स्टार. ओके, सो प्रतिघात के कुछ इंस्टेंसेस बोले स्टार्स के साथ सेट पे कुछ ऐसे. एक बात बोलू, प्रतिघात में जितने भी आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट वन कि मेरा चित्कार नाम का जो एक प्ले था वो राजश्री प्रोडक्शन वालों ने देखा था. और दो साल के बाद जब इनके पास ये प्रतिघटना नाम की तेलुगु फिल्म आई, तो दे थॉट अबाउट मी. जस्ट इमेजिन, राजबाबू सूरज बरजात्या के फादर, ही हैड सीन माय प्ले 2 इयर्स अगो एंड बोले नहीं हमको प्रतिघात में, दे वांटेड अ न्यू फेस. उस वक्त प्रतिघटना मतलब वाज अ सुपर सुपर बिग हिट, विजय शांति एंड श्रीदेवी, जया प्रदा, ऑल वर फ्रॉम साउथ, सो दे वांटेड टू डू दिस फिल्म. बट दे सिलेक्टेड मी बिकॉज दे वांटेड अ न्यू फेस. एंड हमारे साथ जितने भी एक्टर्स थे, मेरे को एक्टर्स नाना पाटेकर, अशोक सर, सब रोहिणी अतन, सब स्टेज वाले थे. तो वहां पे कोई स्टार नहीं था. द फिल्म वॉज अ स्टार, द स्टोरी वॉज अ स्टार यू नो. एंड देन इट वेंट एंड कहां से कहां वो पहुंच गई वो फिल्म, एंड देन मेड मी स्टार. या बिग स्क्रीन. एंड श्रीकांत के कुछ किस्से बताइए फारूक शेख जी. अरे फारूक, मैं फारूक ना जैसे गोरा गोरा चिकना, और मैं भी यू नो आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय पारसीज. मैं जो बिल्डिंग में रहती हूँ, देव छाया हजीरी कैप्टन कॉलोनी के बाजू में, वहाँ पारसी लोग बहुत, तो मेरे पे पारसी लोग की बहुत इन्फ्लुएंस है. तो आई यूज्ड टू टॉक टू हिम बिकॉज हिज मदर वॉज पारसी एंड वो गोरा गोरा चिकना है, गोरा गोरा. तो आई यूज्ड टू कॉल हिम फर्डून बाबा एंड ही यूज्ड टू कॉल मी सिल्लू माई, सुजाता सिल्लू माई. तो हम लोग की बहुत मस्ती चलती थी. यू वोंट बिलीव, सबसे इंटेंस सीन जब वो श्रीकांत राजलक्ष्मी को छोड़ के जाता है, बर्मा चला जाता है, उनका वहां एंड होता है रिलेशनशिप का. और ऐसे दोनों खड़े हैं और डायलॉग, और मैं उसको हग करती हूँ, आई बी मस्ट स्टॉप क्राइंग, कूट कूट के मैं रो रही हूँ, वोंट बिलीव. तभी तो वो क्लैप आती थी ना, कैमरा लाइन एक्शन टाक डूम एंड यू हैव टू स्टार्ट. उससे पहले हम लोग मस्ती करते, मजाक करते, हंसते हैं, और जैसे कैमरा चालू हुआ बोलता है स्विच ऑन स्विच ऑफ. ये स्टेज की ट्रेनिंग, स्टेज की वजह से मैं कर सकी. हम लोग जैसे कैमरा चालू होता है, दर 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 निकल रहे, आंसू निकल रहे. और मुझे क्या कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले वो सीन पे, बिकॉज दैट वॉज द लास्ट सीन. पंडरी दादा जो हमारे इतने बड़े मेकअप मैन, ही कॉल्ड मी, सो मेनी पीपल केम टू माई हाउस, मुझे बंगाली साड़ी दी. सो आई रिमेम्बर दैट. ओह श्रीकांत वॉज अ मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस. सेट पे इतना मजा आता था, ऐसा लगता है हम मुगले आजम कर रहे. एक्चुअली वी वर डूइंग मुगले आजम. 15 दिन की शूटिंग, मैं हाजीरी से जाती थी एसएल क्लब, एसएल स्टूडियो. हाँ, 12 घर पे आने का, फटाक से 6 उठने का, वो स्टूडियो में जाने का, 8 वो झाड़ू वाले आते ना, उससे पहले मैं पहुंच जाती थी. आई वाज सो पैशनेट, आई यूज्ड टू लव दैट. आई एम वेटिंग फॉर समथिंग लाइक दैट.
Wow, you will. Yes. You will get it soon. Because, yes. You know, I think women, when they dream big and, you know, they make their dreams come true because you're so spontaneous, you know, aapke darwaze khulne lagte hain opportunities. Yes. So, Sajni ji, aap bataein ki, have you got to act in the role that you have always envisioned ki mujhe aisa role mein act karna hai? Yeah, you can say that. Serials mein maine har tarah ke role kiye. Let it be a negative, a positive, let it be a good bahu, vamp, everything. So, yeah, ek woman-oriented subject. Har ek koi chahta hai ki ek woman-oriented jo power-packed role ho. That, of course, I am looking for. And very soon, and you're going to see that also, which has completed. And kuch cheeze jo floor pe bhi jaane wali hai. So, let's keep our fingers crossed. But yeah, I'm very happy and content with whatever things that I have done. And people still remember me as an artist, you know. As a good actress, not as a... Main as a good actress. Not just as a heroine. Heroine is only a look. Yeah. But an actress hoti hai, jisko pata hai ki ek tough role ko bhi ho, kaise wo apne andar se nikal sakti hai. Combo of talent and yes. Glamour. So, I'm very fortunate and I'm very thankful to God and my parents and everybody's blessing that people still remember me. Even though I had a 6 years of gap, I was not in India. Because our company launched, so I had shifted there, where I have 6 films directed. Yeah. जो मैंने विजन किया था एज अ डायरेक्टर आई पोर्ड माय एवरीथिंग इन दैट एंड दैट एक फ्रूटफुल एक दैट गेव इट अ रिजल्ट ना वही रिजल्ट मिला था व्हाट सो आई एम वेरी कंटेंट अबाउट दैट दैट यू नो चलो गिवन अ चांस आई गॉट दिस हिडन टैलेंट इन मी आई रिमूव दैट टैलेंट एंड आई टुक आउट द थिंग एंड मतलब ऐसे नॉन एक्टर्स को एक्ट कराया जिनको एक्टिंग नहीं आती थी एंड दे मेरे साथ उन्होंने भी अवार्ड जीता सो दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज व्हिच केम टू मी एंड वो किया एग्जीक्यूट हुआ और जब किया तभी पता चला ना कि तुम्हारे में इतना सारा है बिल्कुल बिल्कुल यू कैन डू सो मच यू नो और सेट्स में कुछ मजेदार किस्से आपके बताए बहुत सारे होते थे बहुत मस्तियां होती थी बहुत टांग खिंचाई होती थी मैं थोड़ी सी सेंसिटिव हूँ थोड़ी ओवर सेंसिटिव लोग मेरे साथ प्रैंक्स बहुत करते थे बहुत मजा आता था आई वर्क्ड विद वेरी बिग आर्टिस्ट अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम किया आशुतोष राणा प्रशांत नारायणन एवरीबॉडी आई वर्क विद बिग पीपल गुड एक्टर्स एंड बहुत सपोर्टिव भी थे आशुतोष जी के साथ कुछ मूवमेंट्स बताए किसके साथ आशुतोष राणा आशुतोष ओह ही वाज वेरी न्यू एट दैट टाइम आई वाज वेरी यंग व्हेन आई एंटर्ड ना परंपरा एक मनीष गोस्वामी का उनके साथ मैंने किया था तो बहुत ही सपोर्टिव थे मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाती थी बट His aura at that time was also so big and so cool, you know. Like unki awaaz mein hi wo tha. Main Ashutosh Rana ji ki tab se fan thi. And unko koi effort karna nahi padta. He was a born actor. Such a beautiful actor he is. Bahut maza aaya tha. He really supported me. Sajni aise nahi aise karo aap. To na support karte the. Ye nahi tha ki unke andar ke अरे नहीं है तो करने दो ना हमको अपने यहाँ सम पीपल पुल यू डाउन सम पीपल हैव दिस टेंडेंसी टू पुल पीपल डाउन बट नो ही वाज एवरीबॉडी इज नॉट लाइक यस सो एवरी सो ही वाज द वन एंड ऑल माय को आर्टिस्ट दे यूज्ड टू लिफ्ट मी अप सचिन जो तुम अपनी बात करो मैं अपनी बात करूँ सेम वे जी ऋषि कपूर हाँ जी सब सीनियर आर्टिस्ट मैं तो मैं स्कूल में उनकी फिल्में देखती थी राइट तो मैंने उनके साथ एक फिल्म की साधना राजबब्बर ऋषि कपूर विच इज अनरिलीज टू हीरोज वन हीरोइन ओके पर लंबे लंबे डायलॉग्स एंड लॉन्ग शॉट्स यू नो तो इतना मुझे कॉन्फिडेंस देते थे बिकॉज ही कम्स फ्रॉम द पृथ्वीराज फैमिली उनका बैकग्राउंड है पृथ्वीराज कपूर तो ही नोज ही वाज रियली गुड यू नो रिस्पेक्ट आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट देना स्टेज वाले तो ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट बट कई जगह पे यू नो आई वाज फाइंडिंग लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज ही वाज सो नेचुरल वेरी नेचुरल एक्टर आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय ऋषि कपूर तो सेम वे मुझे इतना सपोर्ट देते थे ना डायरेक्टर को बोलते थे कि नहीं उसको करने दो शी विल डू इट और दैट कॉन्फिडेंस गेव मी सो मच करेज तो ओके आई कैन डू इट यू नो बिकॉज दैट वाज अ वेरी
subtle film. It was not like khod dala, mar dala, kaat dala, you know, like intense role nahi tha. Intense love story thi, lekin very subtle. So you come across good PRs. Ye sab sunne ke baad, I have another important question. Ki if there's a film written on you, ya fir ek biopic banti hai, to what will it be titled? Let's start with you, jisko dimaag mein jo aaye. Let's start. director. I haven't decided as yet, but haan, सजनी की आत्मकथा. I would say my life journey. Okay. My life journey and sort of like उसी टाइप का मैं स्टेज पे तो मैं प्ले कर रही हूँ. That is a glimpse of my life journey जिसका नाम है सुजाता रंगरंगीली. Yeah. Where I play जितने भी मेरे स्टेज के बहुत ही जो फेमस हो गए हैं लीजन जिसको बोलते हैं लीजेंडरी प्लेस उसमें से मेरे जो कुछ सीन्स हैं मैं परफॉर्म करती हूँ. मैं डांस करती हूँ, लोगों के साथ शेयरिंग करती हूँ, मैं बोलती हूँ, क्वेश्चन आंसर होता है, इंटरेक्शन होता है. सो लाइफ जर्नी ऑफ सुजाता मेहता. यस, ओके, दैट्स ग्रेट. सो थोड़ा पर्सनल है ये कि व्हाट्स अ डे लाइक इन योर लाइफ सुजाता जी, सजनी जी. एवरीबॉडी वुड लाइक टू नो कि यू नो व्हेन वुमेन हैव सो मच टू कंट्रीब्यूट टू सिनेमा, फिल्म्स, career. You know, when you're creators, is it easy? Because you know, you have to balance your family, your personal, you know, emotions, and then you know, work. Maybe you have to be like, you know, keep creating, not accepting any, you know, setbacks, because obstacles to aate rehte hain. So how do you handle it? What's a daily routine like? Kya hota hai? Aap subah uthte ho, kya hota hai? See, Leslie, iske upar to ek aur ek ghanta hum log bol sakte hain. Okay, but have... in short, I would say. कि हाँ, जैसे उठते हैं कि हाँ अभी आज क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे. और जो अपना रूटीन होता है वो एक्सरसाइज, वॉक, मेडिटेशन, योग. देन आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग, सो आई कुक ऑल्सो. कटिंग चॉपिंग वो करके खुद देते हैं, फटाफट मैं कर लेती हूँ. एंड आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग क्रिएशन. खाने में भी सिंपल फूड होता है, उसमें भी मैं कुछ क्रिएशन करती रहती हूँ. हर रोज कुछ ना कुछ नया करती हूँ. अगर खिचड़ी, आई लव खिचड़ी. लाइक नरेंद्र मोदी और मेरे में एक कॉमन चीज है, खिचड़ी. लेकिन नरेंद्र भाई, आप सादी खिचड़ी खाते हैं, लेकिन मैं कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ. सो आई एम सॉरी. हाँ, तो मैं वो करती हूँ. देन रेसिपीज एंड ज्वेलरी मेकिंग एंड कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग एंड वॉचिंग फिल्म्स, टॉकिंग टू पीपल, कम्युनिकेशन. आप लोग जैसे अच्छे लोग मिले, धमाल मस्ती, कॉफी पीने जाओ, डिनर के लिए जाओ, ड्रामा देखने जाओ, ऑल द टाइम इन एक्शन. बट कुछ ऐसे पल होते हैं जो दिन में 1 hour और हाफ एन आवर, 45 minutes, एक दो घंटे मुझे आई नीड फॉर माई सेल्फ, यू नो, अपने आप में झांकने के लिए या कुछ अपने साथ. वेदर यू डू मेडिटेशन, प्रेयर, आई डू प्रेयर, 1 hour प्रेयर आई डू, एंड दैट गिव्स मी रियली पीस ऑफ माइंड, यू नो. सो दैट इज माई रूटीन. एंड रात को मैं कुछ फिल्में देखती हूँ. आई लव टू गो टू थिएटर मोर देन वॉचिंग फिल्म सिटिंग एट होम. आई लव टू गो टू थिएटर, मुझे तो मजा आता है. मैं अपना टिफिन लेके जाती हूँ स्मगल करके. हाँ, बड़ी पर्स लेके जाती हूँ जिसमें 6-7 पॉकेट्स होते हैं. हाँ, उसमें मैं छुपा देती हूँ. मेरा खिचड़ी होता है, ये तो मेरा ढोकला होता है, ये तो मेरा ये होता है, मेरा चाय होता है, मेरा कॉफी होता है. बैठ के मैं अकेली पिकनिक करती हूँ, बहुत मजा आता है. आपका वीगन सूप भी होता है? मेरा वीगन, यस, वीगन मिल्क. वीगन मिल्क, वीगन मिल्क, वीगन केक, वीगन वीगन वीगन. अभी 1.5 साल से मैं वीगन हुई हूँ. एंड सी आई एम अ स्वीट टूथ. चॉकलेट्स बहुत खाती हूँ, मैं पेस्ट्रीज खाती हूँ, मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है, मुझे पनीर चीज, आई लव एवरीथिंग. सो वो सब मेरा कर्टेल हो गया है ना, वो कर्टेल हो गया. एक होता है ना, यू फील गिल्टी ना, ज्यादा चोरी नहीं कर सकते, चीटिंग नहीं कर सकते आप. सो वो मेरा कर्टेल हो गया एंड आई एम रियली हैप्पी. आई लव चीज. मैं गई थी गोवा में, तो वहां पे पूरा इतना अच्छा स्प्रेड था, यू नो, ब्रेकफास्ट में हर तरह की चीज एंड ऑलिव्स एंड ब्लाह ब्लाह. मुझे देख के बिल्कुल टेम्पटेशन नहीं. सो योर विल पावर, वंस यू डिसाइड यू डोंट वांट टू डू समथिंग, यू डोंट डू इट, यू वांट टू डू समथिंग, यू डू इट. कुछ फियर होती है, कुछ फियर्स होती है, जैसे बोला सोसाइटी, यू नो, लोग, ये वो, एंड द वे पीपल रिएक्ट टू यू, रिस्पॉन्ड टू यू. कुछ ऐसी डिमांडें आती है जो हम फुलफिल नहीं कर सकते, तो उसमें थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन अपन अपना रास्ता निकालेंगे. द शो मस्ट गो ऑन. एक्जेक्टली, वी कैन नॉट, वी हैव टू बी अनस्टॉपेबल एंड आई हैव टू बी अनस्टॉपेबल. आई एम एंड आई विल मेक इट. यस, लव दैट अबाउट यू. यस, सो सजनी जी,
What's your routine like? Well, see, in this chaotic world, as a woman, it's not an easy task to take everything. क्योंकि सब चीजें आपके कंधों पे होती हैं, yeah. you know, घर भी संभालना है, आपको बाकी चीजें भी देखनी है, खुद को भी देखना है, करियर को भी देखना है. सो इन दिस पॉइंट या आई मेक श्योर दैट आई ट्राई टू मैनेज समहाउ कि घर को भी प्रॉपर टाइम दूं. जैसे सुजाता जी ने कहा, यस आई डू वॉकिंग, आई एंजॉय डांसिंग. सो दीज आर माई काइंड ऑफ स्ट्रेस बस्टर्स, यू नो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर सेल्फ टू. एंड करियर का भी मुझे उतना ही ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज इन सारी चीजों में यू कैन नॉट. आई एम अ वेरी करियर ओरिएंटेड एंड एम्बिशियस वुमन, यू नो. तो मेरा टारगेट, सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज माई मी टाइम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां मुझे आई डोंट वॉन्ट एनी डिस्टर्बेंस, आई डोंट वॉन्ट एनी वन. सो मैं चली जाती हूँ अकेले वॉक पे. आई लाइक टू स्ट्रोल अलोन. I love to hear people, observing them. I learn a lot. I talk less, but I learn and observe a lot. Do you really talk less? अभी लग रहा है अभी क्योंकि less. वैसे मैं कम नहीं हूँ, but look at her. No, I think my observation. You're talking something very sensible. But you know, I think मेरा observation है कि once you're with your own people, you feel ज़्यादा comfortable. Rapo, आपका rapo जब जाता है, वहाँ पे non-stop बातें करते हो. जहाँ पे आप comfortable भी हो, आपको थोड़ा सा you know देख रेख के कदम रखनी है ना, maybe with strangers or maybe you're not comfortable, वहाँ पे आप चुप हो जाते हो. And मेरा ये इसको positive लो या negative लो, I accept challenges. I love the challenge. जहाँ किसी ने ये बोला ना यार ये नहीं हो सकता, मैं वहीं पे कूदूंगी और मैं वो करके दिखाऊंगी. सो दैट ये मेरी जिद है, पता नहीं क्या है, बचपन से बोलो या कुछ भी बोलो, बट दैट कीप्स यू गेट गोइंग. दैट्स अ किक फॉर मी बेसिकली. व्हेन यू से नो, आई से आई कैन एंड आई विल शो यू दिस. गुड, आई लाइक दैट. सो दिस एटीट्यूड ऑफ माइंड बहुत लोगों के लिए नेगेटिव हो जाता है, दैट दे थिंक दैट ओ गॉड शी हैज अ शी इज एरोगेंट, शी हैज दिस, शी हैज टू मच ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस. नो, दैट्स नॉट दैट. मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, मुझे किसी को कोई नहीं दिखाना, लेकिन है वो मेरी जिद. यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ टू माय सेल्फ. स्टार्ट विद यू. दैट्स द किक दैट आई वांट, दैट आई नीड, यू नो, टू और मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं बेटर और उससे क्या कर सकती हूँ. एक व्हेन वी वेंट टू जर्मनी, तो वहां पे हम लोग का इंटरव्यू हुआ ऑन रेडियो, जो कि दारुसलाम जो ईस्ट अफ्रीका वहां पे टेलीकास्ट हुआ था. तो दे आस्क्ड मी, सिंस नाउ यू आर विक्टोरियस, यू हैव वन सो मेनी अवार्ड्स, नाउ व्हाट नेक्स्ट. I told one sentence. Today's victory is my tomorrow's challenge. Wow. It's a challenge for me, because if I have a victory today aur main usko baith ke maan jaau, baith hi jaau, I will not achieve anything big, even bigger than mine. Nahi, sajri wo to possible nahi na, kyunki hazaron khwahishein aisi ki har khwahish pe dam nikle. Exactly. To bahut nikle mere arma, lekin phir bhi kam nahi. To meri jo soch hai na, जो विक्ट्री है मैं वहां तक नहीं सोचती, मेरा फिर आगे का वो चैलेंज हो जाता है, इससे बेहतर मुझे और करके दिखाना है और मैं क्या कर सकती हूँ. दैट्स माय थॉट प्रोसेस एंड दैट्स व्हाट आई एम, यू नो. एंड हम लोग को देख के देयर आर सो मेनी वुमेन, सो मेनी पीपल ऑफ कोर्स, एंड देन लेट्स टेक इट दैट वे. अभी तो मदर्स डे आ रहा है जी, राइट. तो दे रियली गेट इंस्पायर्ड, यू नो, कि ये लोग अभी भी ऑन है. मुझे बहुत सारे लोग जो मेरी गुजराती ऑडियंस है, बचपन से आपको देखा था, अभी आप ऑन है, यू आर ऑन. अरे मैं बोली आर्टिस्ट हूँ, मैं यही करती हूँ, और क्या, मैं यू नो आई एम पैशनेट अबाउट मेनी थिंग्स, बट आई एम फोकस्ड. माय फोर्टे इज ऑफ एन एक्टर, आई वांट टू बी एन एक्टर. तो मैं तो करती रहूंगी, अपना कारवा थोड़ी रुकेगा. बिल्कुल. एंड नॉट ओनली दैट, सेटबैक्स भी होते हैं लाइफ. जैसे आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हो या नहीं टेक ऑफ हो पाता है, देयर आर सम रीजंस वेयर थिंग्स डोंट मैच, और आई डोंट गेट हसल. ठीक है, उस टाइम के लिए मुझे फील होता है दैट माई आई हैड कंसीव दिस वे, ऐसा क्यों नहीं हुआ, बट देन आई थिंक दैट मे बी इट्स अ बेटरमेंट. इससे बड़ी चीज ही होगी, बिकॉज दैट्स व्हाट माई थॉट इज, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद मी. आ जाती है नेक्स्ट, बिल्कुल बड़ी चीज आ जाती है. बिल्कुल. सो व्हाट आई हैव स्टार्टेड इज नाउ go with the flow. That's the only thing. Go with the flow. See, you can't change anything. You can change your destiny by what you think. What you perceive, you will see it. What you say, you will see it. So I'm very, very careful and to how my life. And you know, Sajri, what you see, what you perceive, jo bola, wo bhi destined hai. Yeah. वो भी डिसाइड है, देन ओनली यू कैन डू इट. अदरवाइज हम लोग नाराज होकर बैठ जाते हैं, डिसअपॉइंटेड, वी टेक अ बैक सीट, नहीं अभी कुछ नहीं कर रहा है जिंदगी में. नो नो. So this is what it is. This is like Power of Women here, and it's
a next level of conversation. यहाँ पर discussion जो है ऐसे चलता रहेगा. But I think आज like you know maybe we can like have another episode for sure. more topics. Sure. So before we leave, like what's your message for upcoming filmmakers, women in films, yeah, जो acting करना चाहते हैं? Because I love both of your voices. आपका डिक्शन बहुत प्यारा है, दमदार वॉइस है. Is there a secret to that? Like any tips you would like to share with us? From my side, secret is that be unstoppable, रुकना नहीं. जैसे सजनी ने बोला, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर. नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे, फेलियर, सक्सेस आएगा. सक्सेस में बहुत आप एकदम वो नशे में मत आ जाओ, और अगर सक्सेस ना मिला तो दुखी मत हो जाओ यार. चलते रहो ना यार, एक ही लाइफ मिली है. व्हाई डू यू वांट टू जस्ट लेट इट गो, एंजॉय एंड मेक योर बेस्ट, जस्ट डू इट यो. Well, my opinion to my kya suggestion do, main to khud seekh rahi hu, but yeah, this is what I would like to say, that whatever you do, be very natural. That's the only thing. Don't overdo. Be nothing. What you are. Be what you are. Yeah. You know, acting is like what. Abhi hum jo baat kar rahe, that is also a part of acting. Yes. आप ये ऐसी चीज है जो आपको कोई नहीं सिखा सकता. Like मैं आज आपको ये खुला बोलती हूँ, like I have never assisted anyone. लोग ये बोलते हैं कि आपको असिस्ट करना पड़ता है तब आप डायरेक्टर बनते हो. बट मैंने नॉर्मल केस, आई हैव नेवर असिस्टेड अपार्ट फ्रॉम माय हस्बैंड, व्हाटएवर जो उन्होंने किया है, बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने भी किए. मैं देखती थी, दैट्स व्हाट आई सेड, ऑब्जर्व. जो मेरे सीरियल्स के जो डायरेक्टर्स थे, व्हाटएवर आई ऑब्जर्व इट, कहीं ना कहीं वो मैं उसको लेकर आई. कुछ मेरी क्रिएटिविटी थी, कुछ मेरे थॉट्स थे. तो keep on learning. जहां आपने ये सोच डाल दी कि आए मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ, मेरे से बढ़कर तो कोई नहीं, दैट इज योर डाउन फॉल बॉस. वहां पर दी एंड आ जाता. यू हैव टू बी हम्बल इनफ, डोंट टेक सक्सेस यू नो टू लेट इट गो ऑन योर हेड. बी वेरी हम्बल एंड ग्राउंडेड. मत भूलो कि आप कहां से आए हो, और अपने फैंस को मत भूलिए जो आपको इतना प्यार देते, जो आज भी हमको सुजाता जी को, हम सबको जो इतना प्यार दे रहे हैं. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर लव एंड योर क्या कहते हैं, सपोर्ट. एंड ओके, फाइनली एक चीज तो जरूरी है फैंस के, द फैक्ट दैट यू मेंशन फैंस, हाउ कैन फैंस सी योर वर्क, कहाँ पे दे कैन बी टच? आई थिंक सोशल मीडिया, आई एम नॉट सेइंग कि पर्सनल नंबर दो, आई एम नॉट सेइंग, बट आई एम सेइंग कि सोशल मीडिया पे आपका हैंडल क्या है, आप कहाँ कहाँ पे है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, क्या क्या, तो प्लीज शेयर. आई एम ऑन सुजाता मेहता ऑफिशियल, आई एम ऑन यूट्यूब, वो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे हूँ. एंड अभी मैंने सोशल मीडिया शुरू किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इसके जितने मेरे फैंस है नहीं, है वैसे है, लेकिन मैंने उनको चांस नहीं दिया था. सो नाउ यू स्टार्ट, लाइक द फैक्ट यू आर जस्ट जॉइंड सोशल मीडिया, धीरे धीरे जॉइन. आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स, और जब भी मैं पर्सनली भी सबको मिलती हूँ तो बड़ा मजा आता है. आई फील अभी फिलहाल, एज आई सेड, कि थोड़ा ठंडा है मेरा काम. आई एम डूइंग स्टेज, बिग स्क्रीन का अभी मेरा भी कुछ पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स है, वो शुरू होगा. पर जब भी मेरे लोग मिलते हैं तो ओह माय गॉड, दे लव यू सो मच, यू नो, एक्नॉलेजमेंट मिलता है एंड यू, एक कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है. सो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब. आई हैव बीन विद सुजाता जी एट सम इवेंट्स एंड द वे दे रिएक्ट, सुजाता जी एक फोटो, बिकॉज शी इज अ लेजेंड. आई विल से दैट शी इज अ लेजेंड, द प्रेजेंस ऑफ एन ऑफ कोर्स, सबकी दुआ है, सब फैंस है. आई एम फॉर्चुनेट दैट वी आर सिटिंग विद हर, यू नो, टू हैव अ लेजेंड सिटिंग बाय यू. इट्स एन ऑनर. It's a real honor. Nasha, Nasha, Nasha. मेरे को नशा करा रही है लोग. नहीं नहीं. अच्छा, यू कैन कैच मी ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया, लाइक ऑन इंस्टाग्राम आई एम बाय द नेम ऑफ आई एम सजनी श्रीवास्तव, और फेसबुक पे सजनी श्रीवास्तव के नाम से हूँ. मैं ट्विटर पे भी हूँ, बट आई एम नॉट दैट मच ऑन ट्विटर एंड लिंक्डइन. लिंक्डइन में मेरे प्रोडक्शन हाउस का है, पीलीपीली प्रोडक्शंस के नाम से है. बट या, यू कैन प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टा एंड फेसबुक, विच इज वेरी बूम दीज डेज, यू नो. यस गाइस, फॉलो देम, जॉइन देम एंड सजेस्ट कैसे और क्या क्या रोल्स वी वांट टू सी देम. तो टुडे आई हैड दिस लेजेंड्स विद मी ऑन द काउच.
Sujata Mehta ji and Sajni Srivastav ji. This is Leslie Tripathi signing off. Take care. Thank you, Leslie, thank you, for giving us an opportunity to share with the audience. Thank you so much. All the best. Love you all. Love you all. Bless us. Thank you. Thank you.